हाँ जी, सब तो पहला तुसी अपने चैनल नू सबसक्राइब करो ते नवीं नवी वीडियो वेखन दे लई नोटिफिकेशन बैल नू ऑल ते करके प्रेस करो ते वीडियो नू लाइक करो ते तुहाडा साडे चैनल नू सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नू। ते अज दी वीडियो विच आपां इह बनाउण लगे 963 4x4। ठीक है जी, आ मॉडल आपां इह आपां गिफ्ट हाउस तों बाय कीता सीगा ते अज दी अनबॉक्सिंग दी वीडियो तुहानू मिल जूगी अपने चैनल ते। डिस्क्रिप्शन दे विच वीडियो दा लिंक भी मिल जूगा। ते आपां स्टार्ट करदे हां जी इसनू बनाउणा। फोर व्हील ड्राइव बनाउण दी कोशिश करांगे, जे बन गया तां बल्कि तां 90% आपां इसनू बना ही लवांगे। ठीक है जी, तो ये गरारियाँ आप तुम्हें दस दें आप कि यूज कर लगे हाँ। आ जड़ी अपना गरारियाँ जी, JCB वाले का मोटर आदि बैक साइड पर, तो आ ही गरारियाँ JCB वाले यही आप यूज करा। ठीक है जी, तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, तो तुम प्रॉपर वीडियो वेख लेना। हाँ जी, अपना ट्रैक्टर का जरा सारा समान उतार लें जो इस स्क्रैच वगैरह ना पैन शोशा, तो ये सारा जरा आप उतार लें। कैमरा गार्ड भी है जो उतार लें आप इस। हाँ जी, आप सारा समान उतार लिया, जोड़ा इसका चैसी है वह कली रह गई है, तो आप समान जो सारा साइड पर रख दें जो आप ट्रैक्टर पूरा तैयार करके आप ला सकिए। तो जी आप इदा ही इसमें तैयार करते इसकी शो वगैरह तो स्क्रैच पै जाने से, मरगाट वगैरह खराब हो जाने से, करके आप समान जो सारा उतार लिया। इसका फ्रंट एक्सल भी आप फ्रंट टायर भी चेंज ही करने पैने इस। ठीक है, हम आप वीडियो अगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप मगर आ जड़िया गरारियाँ वो डब्बी बच्च ही लग जाएगा, तो आपको मूहरों जी कटिंग करना पैना इन्ना हिस्सा, ता जो आप इतने भी गरारियाँ ला सके। आप इस चैसी से गरारियाँ लावे, तो हम आप थां जरा वाली प्लेट आ कट लें कटिंग करके। हाँ जी, अपनी गरारियाँ जी इस प्रकार लगनिया, तो मोटर स्लोट लगनी अपन जमा सैट करके लावे आप मूरलियाँ गरारियाँ आ मगरलियाँ जी। ठीक है जी, तो हम आप अगे गरारियाँ लाइनिया स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आप मेन गरारी है जी टायर वाली गरारी है जी वो ला चुके हैं, तो उदू अगे अपनी गरारी आ लगेगी। ये आप जड़िया राड़ा या डब्बी च पी कटा है। ठीक है जी, आ वेख सकते पूरी टायर टायर उपर आप MC लगा देंगे इस दे। ते एक अपनी आ गरारी होगी। ठीक है जी, तीन गरारियाँ तो अपनी ये हो गई, जी चौथी गरारी वो टेढ़े दंदे वाली है, तुम्हें दिखा दें आप। ठीक है, दंदे वेख सकते हो उस JCB वाली है गरारी, तो ये वास्ते अपन थोड़ी जी वड्डी राड़ कटनी पैगी, जो आप गरारी थोड़ी जी बाहर कढ़ के लावांगे। ये भी तुहानू दस दिंदे आ किवें लगेगी, तो इत्थे लगू जी गरारी, इत्थे आपां नूं थोड़ा काफ़ी इन्हां थां डूंघा करके जमा ये गरारी बाहर कढ़ के लगेगी। ठीक है जी, गरारियां जिहड़ियां आपां उह बिल्कुल ला लवांगे। ठीक है, इधर आपां बाहर सपोर्ट ला के गरारी ला ली है, तो अपनी जी मोटर आ इत्थे लग जूगी, अपन थां कटिंग करना पैना है, तो इस प्रकार अपनी मोटर लग जू, तो आप मोटर ला लें हम इतों थां कटिंग करके। हाँ जी, आप जरा इतों कटिंग कर ली दोनों पासा की कर ली है, इधर भी अपनी मोटर आ जानी है, तो आ जरा थां अपना थोड़ा जहा काफ़ी ना वध हो गया, आप MC इतने की शेप तैयार कर देंगे जो लोड़ पी ना, बल्कि अपन मोटर ना ही अपन MC लाने पैनी है, तो इधरली मोटर आ जी आप लगन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हाँ जी, अपन जिहड़ियां बैक साइड गरारियाँ लग चुकियां ने, MCL भी जी अपनी सुक गई है, तो हम आप जिहड़ियां मूहर नूं गरारियाँ लाउणियां स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो इहदे लई अपनी जिहड़ी मोटर आ आप मोटर तो स्टार्टिंग करांगे, मोटर अपनी जी इत्थे लगेगी इस दे नाल, तो इस तों अगे जिहड़ियां फिर गरारियाँ अपन लगनगियां, जिदा ये गरारी हो गई अपनी
ठीक है जी। तो अगर आप सारिया गरारियां ला लें हौली हौली करके, इस तरह ही तुम जी अगे गरारियां ला लेना। आप पहले सारे पहले फस्ट गरारी ला लें। हाँ जी, आप फस्ट गरारी जी ला ली है, तुम देख ही सकते हो। इधर आप इधरली साइड इसे पैप पानी पैनी है, जो गरारी पिछे ना हटे, जहाँ इदा का कुछ जुगाड़ लाना पैना है। तो अगली गरारी वास्ते आप लाने वास्ते आह जो आप जिते अपना हिस्सा होंगे फ्रंट, ये चीज़ भी अपन कटिंग करनी पैनी है, ता जो गरारी अंदर न जा बढ़न। हाँ जी, आप थान जोड़ा इतों कटिंग कर लिया, ठीक है जी। तो आप इस तरह अपन गरारियां जड़िया लगा लें। आ गरारी अपनी इतने आजगी, तो आ इस तो अगे आजगी, तो आ जी अपनी सारे नालों लास्ट पर आजगी, यानी कि मूहरे आजगी मूहरले टायर वाली। तो आप गरारियां जड़िया फिक्स कर लें। हाँ जी, आप गरारियां जड़िया ला लाँगा, वेख सकते हो तुम। हाँ जी, आप ट्रैक्टर च थोड़ी जी चेंजिंग कर लगे हाँ। इतने अपने जी लास्ट लास्ट रार सी ना, वो आप चेंज करनी है। वो जी अपनी पहले सैकल की तार सी, हूँ आप जी सैकल की ब्रेक वाली तार होंगी है, हेठा डंडे में जाती होंगी है, वह यूज़ कर लगे हैं। उस तो मोटी आ बहुत गुणा, ठीक है जी। तो वो जी तार नरम सी, तुम तार भी आप दिखा दें। वो जी जी स्लैप मार रही थी, आवे ये तार आसानी ना मुड़ जाती है, ठीक है जी। ये तार बहुत हार्ड है, ये गुण नालों इन बहुत मोटी है। तो हम आप यूज़ करा, तुम शुरुआत ही यह यूज़ कर लेना, तो जो तुम लास्ट चेंज ना करनी पाए। हाँ जी, अपना जो पखे का फार आ, तो आप गरारियां चढ़ा लेंगे, आवे कट भी पा लेने जोड़े तुम वेख सकते हो। ये जो आप इस तरह इस पा के जोड़े वाढ़े में इस दे फसा देना है, तुम दिखा दें आप इस तरह ही फस जाना कुछ, ठीक है जी। फसा के उपर आप जी एम सी लगा देनी है, जिदे नाल टाइट हो जूगा। वो वाडा वेख सकते हो तुम बिच वड़ गया। आ पत्तियां ही जिहड़ियां तुम सारियां मोड़ देंगे, आप मोड़ दें। तो ये जड़े आवे इस बेचारे चौरस आ जाए अंदर नूं वाढ़े नहीं, उन्होंने बिच जाके फस जूगा जी। तो फिर स्लैप कट छेती स्लैप नहीं हुंदा जी, एम सील पट के फिर भावें स्लैप हो जाए। तो अपना 9-11 प्रोजेक्ट यूज़ किया बिल्कुल नहीं स्लैप होया वा। तुम आ गरारे भी जी सीधी कर लेनी है, आप एम सील ला लें हम दोनों से। हाँ जी, आप एम सीला जी इस लगा दें, जिस दे नाले मजबूत होर हो जूगा। हाँ जी, अपनी गरारियां जड़ियाँ वो बिल्कुल एम सी सुक चुकी है। तो हम आप इस तरह ये मगर ला देंगे एक, तो आ जी अपनी ये मूहरे लग जूगी, ठीक है। ये आप इतने ला देंगे, तो हम आप फिक्स कर दें पैप नाल, इतों की पैप लंघा के, ठीक है। इस तरह जी पैप इतने ला के तो एम सी ला दें आप। हाँ जी, अपनी एम सी ला जी बिल्कुल सुक चुकी आ। तो आप जे टायर भी आप लगा ला ले ने, ते आपा जड़े इन टेढ़े कट पाए ने उन्होंने आप दस दें। इस तरह जी अपनी जुत्ती वाली मेख आ जाते तो बरीक राड़ आ उस पी, वो तुम इस तरह पा लेनी है। तो उपर आप इस एम सी ला देंगे, जिस दे नाल स्लिप नहीं हुंदा। आप चार चार ही टायर जी इस तरह ला लेने एम सी नाल। हाँ जी, आप ट्रैक्टर के मूहरे एक निक्का जिहा बंपर लाया, बंपर नहीं आप कह सकते, ये आप वेट पाने वास्ते लाया है एम सी नाल, ठीक है। ये बंपर नहीं लाया गया, तो मगर भी आप जी हुक ला ली आ, टायर वगैरह इसते सुक गए ने, एम सी लाई भी सी। तो हम ये कवरिंग करने वाला रह गया थलो, ये आप इतों कवरिंग कर दें। ये आप प्लेट के नाल इस तरह,
ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਥ ਰਹਿ ਜੂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੇਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਟ ਕੱਸਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਐਮ ਸੀ ਨਾਲ ਟਿੰਬਰੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਫੋਰ ਵੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।